मानव विकास सेवा समिति के प्रधान कार्यालय टैक्सी स्टैंड पर मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बनवारी लाल ने की तथा बैठक का संचालन संगठन मंत्री योगेश कुमार ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जयपाल सिंह ने बताया, आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पकौड़े बेचना भी तो रोजगार है, जबकि इसके विपरीत ठेले वाले, रेहड़ी वाले व पकौड़े बेचने वालों को योगी सरकार पुलिस बल का प्रयोग करके हटा रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ रही है। उधर केंद्र व राज्य सरकारें नौकरियों की कटौती कर रही हैं, निजी क्षेत्र में भी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कि मोदी जी कौन से राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हुए दंगों में मारे गए लोगों को 5-5 लाख मुआवजा देने की अपील की है। गृहमंत्री जी से आशा करते हैं कि दंगों पर जल्द से जल्द नियंत्रण करें तथा समिति शांति की अपील करती है। सेवा समिति की टैक्सी स्टैंड कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बेलाल जी, लगिन साहब, एडवोकेट कल्लू सिंह जी, सागर साहब, योगेश जी, डॉक्टर गिरलाल जी, बनवारी लाल जी उपस्थित हुए। उन्होंने बढ़ती महंगाई पर रोष प्रकट किया। किस मुद्दों लगे मीटिंग हुई थी? जो शहर में बेरोजगारी है, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं, सरकार का कोई कारोबार की तरफ ध्यान नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं है, नौजवान हमारे साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, सरकार इस तरफ ध्यान दे, महंगाई चरम पर है, कारोबार ठप हो चुके हैं, कारोबार का कोई पता नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह निकालें, और जो बेरोजगार भाई लोग हमारे सड़कों पर खाली घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार दिया जाए। क्योंकि सरकार ने कहा था पढ़े लिखे लोग जो है अपने ठेले लगाएं, फड़ लगाएं, अब सरकार ने उन्हीं लोगों को उजाड़ दिया है, ठेले वाले फड़ वाले आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार की आँख नहीं खुल रही है, सरकारी खानों को आवाज़ नहीं पहुँच रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी ख़त्म करनी चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा, हर घर का विकास होगा। के मुद्दे में सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक सौहार्द बना रहे। आज देश में दिल्ली जैसी घटनाएं बड़ा दुख की बात है कि एक राजधानी के अंदर, एक राजधानी में किस तरीके से उपद्रवियों ने दंगा मचाया है। सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। दूसरी चीज, आज SC ST के जो बेरोजगार युवक हैं, आज सरकार की मंशा है, साफ जाहिर हो रहा है कि निजीकरण में, प्राइवेट सेक्टर में सारे विभाग जा रहे हैं, और उससे बेरोजगारी और बढ़ेगी और हमारा आरक्षण SC ST का तो खत्म ही हो जाएगा। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि निजीकरण में भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग, हमारी समिति की मांग है कि SC ST के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के तहत निजीकरण में भी भर्ती की जाए, जो प्राइवेट सेक्टर हो गए हैं। दूसरी मांग है कि राजनीतिक आरक्षण भी समाप्त होने जा रहा है। इसमें देखने को मिला है विगत वर्षों में कि दलित महिला से शादी करके सत्ता कब्जाने का खेल शुरू हो गया है, चाहे BDC सदस्य हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, और जीता जागता उदाहरण है कि आज शाहबाद रामपुर सुरक्षित सीट पे भी एक ऐसी महिला पटेल के घर में है, पहले चंदोसी से लक्ष्मी गौतम रही। इस तरीके से तो हमारा सब आरक्षण समान हो जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी आरक्षण व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए।